समझ में आ गया होगा लॉजिकली, ऐसे क्वेश्चन लॉजिकली देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना। कोलिजन में से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं जहां लोग स्ट्रगल करेंगे, और अगर तुम जो ये कॉन्सेप्ट बताया, मैं जो लॉजिक बताया ना, उस लॉजिक से अगर करोगे तो एक लाइन में चुटकी में क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, और टाइम बच गया। और यही तो हमें करना है एग्जाम में, हमें टाइम बचाना है, टाइम कंज्यूम नहीं करना है। जो टाइम कंज्यूम किया वो गया यार, वो बाहर गया, ठीक है। चलो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज। अब देखो यहाँ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज इफ वर्क इज डन। पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होगा, ठीक है। अब एक एक को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। या तो आपको कॉन्सेप्ट पहले से याद है, थियोरेटिकली पढ़े हो, या नहीं तो एक एक ऑप्शन को चेक करो कि देखो प्रैक्टिकली किसमें से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इफ वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है अपॉन द सिस्टम, तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है? चलो एक बार करके देख लेते हैं। अगर यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक आगे जा रहा है वी वेलोसिटी से, और इस पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन। ब्लॉक अपना पोजीशन यहां से यहां चेंज कर लिया, ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो लग रहा था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस पे वर्क कर रहा है, जो कि एक निगेटिव वर्क डन है, फ्रिक्शन क्या नॉन कंजर्वेटिव। तो क्या इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा क्या? नहीं भाई, अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो पूरे फिजिक्स में सही होना चाहिए ना, हर सिचुएशन में हर जगह सही होना चाहिए, यही तो होता कॉन्सेप्ट यार, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क बाय अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा, वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी मैं ले लूँ, चलो ये ग्रेविटी ले लिया, इसमें मैंने एक पेन रख दिया यहाँ पे। अब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है, ये पेन वर्क करेगा, ठीक है, अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट मैं इसको ले जाता हूँ, ऊपर ले गया, तो अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर ले गया तो ये इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई यार, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर आप ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, मतलब यही ऑप्शन सही है, ठीक है, बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब देखो यही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बाय द सिस्टम, ये सिस्टम अगर यहां से यहां मूव करता है और इस पर नॉन कंजर्वेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ही नहीं हुआ, ये गलत है यार, ठीक है। वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, ठीक है, अगर ये पेन ऊपर से नीचे आता है तो ग्रेविटी वर्क करे, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी क्या? नहीं यार, घटी, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ठीक है, मतलब बी ऑप्शन सही है। चलो